चलो कोई भी डिस्ट्रैक्शन पास में रख लिया, मोबाइल फोन पास में रख लिया, उसका डाटा ऑन कर लिया, मोबाइल को साइलेंट ना करके ऐसे रख लिया पास में, तो किसी का कॉल तो आएगा, किसी का मैसेज तो आएगा, थोड़ा आपका भी मन करेगा कि यार मुझे सोशल मीडिया चलानी है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जेन्युइन तरीके से बता रहा हूं, हमें पूरी तरह से मोबाइल को बंद नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल से भी हम कुछ तैयारी कर सकते हैं। पूरी तरह से मोबाइल को बंद ना करें, लेकिन जब हम पढ़ने को बैठे तो एटलीस्ट 2 घंटे को अगर बैठे हैं ना, तो पूरे फोकस होके डाटा को बंद करके, साइलेंट करके, मोबाइल को दूर रखना है, पास में नहीं रखना है। क्योंकि जब मोबाइल पास में होता है तो हमारा मन करता है कि थोड़ा हम उसको देख लें, थोड़े नोटिफिकेशन चेक कर लें, थोड़ी स्टोरी देख लें, स्टेटस देख लें। तो पहला जो काम है आप सभी के लिए और सबसे जरूरी भी है, कितने भी दिन बचे हैं ये छोड़ दो कि आपके पास में पूरा समय निकल गया, पूरी साल निकल गई, अब ये सोचो कि आपके पास जितना भी समय है, चाहे वो 2 दिन हो या 4 दिन हो, और वैसे भी हर पेपर के बीच में गैप होता है, तो वो भी समय आपके लिए पर्याप्त है। आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन ऐसे नहीं करना है, रिवीजन करने का एक तरीका होता है, आप जब रिवीजन करते हैं तो उसको लिख के याद करें, शॉर्ट नोट बनाएं। शॉर्ट नोट बनाने से क्या होता है कि आपके माइंड में वो चीजें सेट होने लगती हैं। जब आप देखते हैं, फिर लिखते हैं और पढ़ते हैं, मुंह से बोलते हैं, तीनों इंद्रियां काम करती है ना, तो आपको याद होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला सबसे सिंपल तरीका है कि माइंड में एक पॉजिटिव चीज डाल लो कि हमारे पास जितना भी समय है, हमें इसको इफेक्टिव तरीके से या फोकस तरीके से पढ़ना है, और आपको मोबाइल बिल्कुल साइलेंट मोड पर रखना है जब पढ़ रहे हैं तब। मैं ये नहीं बोलूं कि 24 घंटे ही पढ़ना चाहिए, कई बच्चे यहाँ पर ऐसे भी होंगे जब एग्जाम आता है ना, तो एग्जाम के एक दिन पहले पूरी रात पढ़ते हैं, और आप अगर पूरी रात पढ़ते हैं तो सुबह एग्जाम के समय आपको नींद आएगी। अगर नींद भी नहीं आती है तो क्या होगा, आपके माइंड में इलनेस होती है, आपको वीकनेस फील होता है, आपके अंदर से मतलब ऐसा निकलता है कि यार मैं क्या कर रहा हूं। सिंपल सी बात है, जब भी एग्जाम होता है पर्याप्त नींद लेना है। आपने साल भर में कुछ नहीं पढ़ा ना, तो रात भर में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, सिंपल सी बात है। नींद लेना सबसे जरूरी है, अगर मेंटल हेल्थ सही है ना, तभी एग्जाम सही जाएगा। आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बिल्कुल फिट होनी चाहिए। कई बच्चे मैंने देखे हैं जो एग्जाम के समय पर बीमार हो जाते हैं, बिकॉज वो रात भर पढ़ाई करते हैं, इस वजह से स्ट्रेस तो होता ही है, रात भर पढ़ाई करेंगे उस चक्कर में वो बीमार हो जाते हैं, फिर वो एक्सक्यूज करते हैं कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। ये सब करना बंद कर दो। आपको एग्जाम के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग क्या होती है, मेरी एक आपको सजेशन है, साल भर आपने कुछ नहीं कर पाए ना, या थोड़ा बहुत पढ़ाई भी की है, अभी आपको ज्यादा नहीं 8 से 10 घंटे पढ़ना है ओनली, दिन में, दिन रात का एक एवरेज लेके चलो कि 24 घंटे में आप 8 से 10 घंटे पढ़ें, और वो 8 से 10 घंटे पढ़ना का मतलब ये नहीं कि बुक्स लेके बैठ गए हैं, उसको फोकस होके, पूरा कंसंट्रेट होके, जैसे मैंने बताया ना, किसी भी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। आपके पास में कोई भी आए, आपकी फैमिली तो वैसे भी डिस्टर्ब नहीं करेगी क्योंकि आपके पेपर हैं, तो आपको बिल्कुल फोकस होके शांति से बैठना है, और पढ़ने के लिए 8 से 10 घंटे पर्याप्त हैं। लेकिन ये गलती मत कर देना कि इकट्ठे 4 घंटे को पढ़ने बैठ गए, आपको ब्रेक लेना जरूरी है, और ब्रेक कितना होना चाहिए, 1 घंटे की पढ़ाई में आपका 7 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। तो एक एवरेज लेके चले कि आप सुबह से उठे और आपने सोचा कि मैं सुबह 5 बजे उठ गया हूं या उठ गई हूं, तो 5 बजे से 7 बजे तक अगर आपको पढ़ना है तो 5 बजे से पढ़ना स्टार्ट करो, और 6 बजे थोड़ा सा ब्रेक ले लो, यानी थोड़ा टहल के आ जाओ। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि मोबाइल उठाओ और थोड़ा रील्स देख लो, नो, वहां से तो आपके 7 मिनट के 70 मिनट कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। ब्रेक कैसा होना चाहिए, आपने 1 घंटे पढ़ाई की, थोड़ा सा चहलकदमी करके आ गए या कुछ खा पी लिया, चल जाएगा, वेल एंड गुड, बट ब्रेक में आपको मोबाइल फोन नहीं छूना है। इसके बाद में फिर से बैठ जाइए, फिर इसके बाद में जो भी आपके काम है उनको कर लीजिए, इसके बाद फिर आप पढ़ने बैठ जाइए। ब्रेक का मतलब है कि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं, दिमाग को रेस्ट देना भी जरूरी है। जब ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, 5 6 घंटे इकट्ठे बैठे रहो, तो दिमाग में ऑटोमेटिक स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो सबसे सिंपल तरीका है कि ब्रेक लेकर पढ़ें, प्लानिंग करके चलें कि हमें इस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, कब सुबह पढ़ना है कि शाम को पढ़ना है। आपके माइंड में एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। टाइम टेबल आपने पूरी साल बनाया, टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया, अभी आप एग्जाम का टाइम टेबल बनाओ कि मुझे किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है,
वैसे भी जब पेपर जिस चीज का पेपर होता है ना उसी की तैयारी हम करते हैं, उसी की तैयारी करते हैं, तो उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि सुबह हमें याद करना है, शाम को नोट बनाना है और हमें ये चीज रिविजन करना है। और इसको प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे, आई एम श्योर कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो पास तो कम से कम हो ही जाओगे। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्हें अच्छे नंबर चाहिए हैं, जिनको अच्छे नंबर चाहिए, जिनने साल भर पढ़ाई की है तो उनके अच्छे नंबर तो आएंगे, लेकिन उसका एक तरीका होता है। आप लोग सोचते हैं ना कि हम सब कुछ याद हो जाता है सर, हमारे अच्छे नंबर आ जाने चाहिए, नहीं। कॉपी में लिखने का एक तरीका होता है, वो सैंपल पेपर शायद आप लोगों को स्कूल में बताए गए होंगे कि किस तरह से लिखना होता है। दूसरा ये होता है कि जब आप लिखते हैं ना तो राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बच्चे तो ये होते हैं कि राइटिंग को कुछ भी लिख देते हैं, आंसर आपका पूरा है, राइटिंग बिल्कुल खराब है। सामने वाले का फोकस होता है कि आपकी राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं। आप बोलेंगे सर इसमें क्या मतलब है, राइटिंग का मतलब है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने लिखा क्या है। तो आप लोग गर्ल्स एंड बॉयज दोनों नोट कर लीजिए इस चीज को, राइटिंग पर फोकस करना है। आपकी कितनी भी खराब राइटिंग आए तो वहां पर कम से कम एटलीस्ट ऐसे तो लिखना है कि सामने वाले को समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। प्लस एक फॉर्मेट में लिखना है, हेडिंग का ध्यान रखना है, हेडिंग कब डालनी है, नीचे जो आंसर होगा उसको हाईलाइट कैसे करना है, इनके आपको अच्छे से नंबर मिलते हैं। अगर एक क्वेश्चन को लिखा, एक उत्तर को लिखा, लेकिन वो एक पेज में कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट पेज में जा रहा है, तो आपको वहां पे पीटीओ लिखना है। मतलब ये फॉर्मेट आपने सीख लिए होंगे, अगर सीखे नहीं है तो आपको इंटरनेट पे इस चीज को पूरे सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो देखो प्लानिंग के साथ में पढ़ना है, रेस्ट लेके पढ़ना है, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है। अगर आप स्ट्रेस लोगे ना कि मैं फेल हो जाऊंगा या मेरे इतने परसेंट नहीं बनेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप फेल ही हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जब माइंड में नेगेटिव चीजें जाती है ना तो हमारे साथ वैसा ही होता है। पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दो, चाहे आपकी कैसी भी तैयारी हो, कुछ सोचने से बदलने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने पॉजिटिव सोचा और अभी मेहनत कर ली तो पास तो कम से कम हो ही जाओगे। लेकिन अच्छे नंबर लाना है तो प्लानिंग के साथ चलिए, और कैसे क्या करना है वो सब चीजें। अब आप लोग अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आप लोगों को कहां पे परेशानी आ रही है और फील कैसा हो रहा है, अंदर से डर लग रहा है, क्या लग रहा है, पूछ सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन करते जाइए, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, मैंने देखा नहीं।